नमस्कार मध्यान खबर को स्वागत मु मंदाकिनी प्रथम देखिबा हेडलाइंस। बंगोपसागर रे पुणी एक लघुचाप प्रभाव रे आज केन्दुझर मयूरभंज एवं सुंदरगढ़ रे अति प्रबल बर्षिबो। बुढ़ाबड़ सुवर्णरेखा जलका नदी रे आसी पारे बन्या। सेपटे हीराकुद रे खोलिला दुईट गेट। पुणी असांत पिपिली थाना परे माधीपुर मतदान केन्द्र निकट रे फुटिला बोमा। बोमा माड़ परे दुर्बृत्त फेरार। भोटिंग पूर्वर पिपिलीवासी भयर वातावरण। पुणी आठगड़ में समवाय स्काम। जोड़ुम पंचायत सोसाइटी घोटाला अभियोग। जिलापालों ऑफिस आगे अन्नदाता धारणा मिछ लोन हेउची दिया जाउनी कागजपत्र। चौबीस घंटे ओडिशा रे 565 नुआ पॉजिटिव। 18 वर्षरु कम 63 आक्रांत। खोर्धारु सर्वाधिक 256। कटकरु 61 संक्रमित। पुणी राज्य में 5 बनेला भाइरस। पंजाब कांग्रेस रे पुणी ट्विस्ट। पीसीसी अध्यक्ष पदरु इस्तफा देले नवजोत सिंह सिद्धू। मंत्रिमंडल भी 4 मंत्री इस्तफा। सेपटे सिद्धू को निशाना कले कैप्टेन। कहले पूर्वरु कहिथिली से जने अस्थिर व्यक्ति। एवं चलीगला बात्या देगला दुख। गुलाब उछाड़ीला मका फसल। 301 अधिक मका चाष नष्ट। नवरंगपुर पापड़ाहांडी ब्लॉक रे असहज अवस्था रे अन्नदाता। संपूर्ण खबर को पुणी अशांत पिपिली। पुणी पिपिली रे बोमा विस्फोरण। मंगलवार बलंका थाना रे बोमा फुटीतिला। आज माधीपुर मतदान केन्द्र निकट रे विस्फोरण होइछे। माधीपुर छक रास्तार बोमार अंश ठाप करा जाइछि। तबे बोमा माड़ पर दुर्बृत्त फेरार हो जाइछन्ते। आसंता काली पिपिली उपनिर्वाचन पई मतदान केन्द्र रे बूथ केन्द्र रे पहुंचि सारिछि ईवीएम मशीन। मतदान पई प्रस्तुति भी शेष पर्यायर। किंतु पिपिली बजार ठारु 3 किलोमीटर दूर पिपिली जटणी रोड रो माधीपुर छक रे बोमा माड़ होइछि। जहाँ नहीं भय रे पिपिलीवासी। प्रथमे पिपिली बीजेपी ऑफिस रे बोमा माड़ होइतिला। एहा परे बलंगा थाना आउ एबे बर्तिनी मतदान केन्द्र पाख अंचल। ଏବେ ପୁଣି ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ପିପିଲି। ପୁଣି ପିପିଲିରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ପକାଇବା ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ। ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା। ଆସିଲା ଲାଇଟ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ। କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଡିଏଫ୍ଓ ଏବଂ ରୋଷେୟାର ରିପୋର୍ଟ। ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ କରୁଛନ୍ତି ତର୍ଜମା। ପୁରୁଣା ବୟାନ ସହ ଲାଇ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟର ରିପୋର୍ଟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛି କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ। ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ତର୍ଜମା କରାଯାଉଥିବା ସୂଚନା ଦେଲେ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି। ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ତଦନ୍ତ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା। ଆସିଲା ଲାଇ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ। କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଡିଏଫ୍ଓ ଏବଂ ରୋଷେୟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। तेज संपर्क में अधिक सूचना देवा आम सहित फोन लाइन में जोड़ आम प्रतिनिधि संतोष जेना। संतोष, लाइट डिटेक्शन टेस्ट रिपोर्ट बर्तन आसी जाइए, कौन रही है रिपोर्ट में, कौन रही है पाखे अपडेट खबर? देखु सबु बड़ कथा हो लगातार भाव में जो समस्त अपेक्षा करते लाइट डिटेक्शन टेस्ट रिपोर्ट केत जो तीन जन लाइट डिटेक्शन टेस्ट से कौन कहे कौन न कहे पूर्वर जो प्रतिक्रिया कौन मिली एवं जो प्रतिक्रिया दे लाइट डिटेक्शन रे तदंतकारी टीम सहित फोरेन्सिक लैब रो टीम एम कौन कौन कहले ये कथा को जितने आधार कर प्रकृत में कौन सत्यासत्य सामना आसो। और सामान प्रसंग में क्राइमब्रांच एडीजी संजीव पंडा बर्तमान समय जहां लेटेस्ट सूचना देखते तीन जन लाइट डिटेक्शन टेस्ट रिपोर्ट बर्तमान समय क्राइमब्रांच रो अच्छा पाखे पहुंची सारी विद्याभारती डीएफओ सहित रोसेया मनमोथ ये तीन जन लाइट डिटेक्शन टेस्ट रिपोर्ट बर्तमान क्राइमब्रांच हाथ को आसारी
जदि कहिबा लाइ डिटेक्शन टेस्ट रिपोर्ट खूब शीघ्र आसी क्या विगत दिन में लाइ डिटेक्शन टेस्ट रिपोर्ट आसापी किसी विलंब हुए एथर ये केस क्राइमब्रांच पक्ष जो सूचना रोचे आम एक घटना को गुरुत्व सहकारे नहींचु टेस्ट रिपोर्ट वर्तमान सुधा पहुंची सारी या भितर आउ गोटे मंदाकिन ताजा सूचना रोचे जो पूर्व जो प्रतिक्रिया सब देखेंडी पुलिस पाखे जहां कही पूर्व जो क्राइमब्रांच को कौन कही लाइ डिटेक्शन टेस्ट रे कौन कहले तीन जन सब तीन दिग को से ध्यान देवे तर्जमा करेंगे प्रकृत घटना कौन हो पारे प्रकृत या भितर जो तालमेल रो जो घटना गुड़िक तालमेल रुना सब घटना कौन हो पारे एक नहीं बर्तमान समय तर्जमा चली अपेक्षा करा को पड़ो जो क्राइमब्रांच र तदंत के एवं जो रिपोर्ट अच्छी संतोष जो रिपोर्ट क्या कहते से रिपोर्ट को सार्वजनीन सार्वजनीन करते सूचना रही कि देखो निश्चित मंदाकिन सब बड़ कथा हो तदंत भितर जो प्रसंग आसे पुलिस के सर्वसाधारण से सार्वजन कर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस ये सब जिनस को गुप्त भाव में रखा जो कि एक स्पष्ट भाव में कहु खूब शीघ्र ये घटनार पर्दा हटव क्राइमब्रांच जो दायित्व नहीं क्राइमब्रांच जो दिगरे इन्वेस्टिगेशन करुच्ची खूब शीघ्र सिद्धांत में पहुंचा आप जानते जे समयरंजन को बापा समयरंजन को भाई कल क्राइमब्रांच एडीजी को भेटी जे संजीव पंडा अच्छा जे संजीव पंडा अच्छा क्राइमब्रांच एडीजी भेटा पर क्राइमब्रांच ऑफिस रे शीघ्र त्वरान्वित करने तदंत को कही विशेष भाव में मुख्य दाबी रोला जो अति कम्रे डीएफओ को बदली करसीसीएम को अनुरोध कर पीसीसीएम को निर्देश क्रमे जदि डीएफओ संग्राम केशरी बेहरा बदली हो जाए ताल हुए तो ये घटना सामना को आसब जो तलिया कर्मचारी मैंने अच्छा से हुए तो किसी सत्यासत्य सामना को आनीपारती कि या भितर आउ गोटे कथा सामना को आसूची जे पीसीसीएफ को कौन से प्रकार सुपारिश करवा क्राइमब्रांच कार्य अधीन आसुन कथा क्राइमब्रांच एडीजी वर्तमान स्पष्ट भाव में कही सारी आता कौन से प्रकार पीसीसीएम को समय संग्राम केशरी बेहरा जे डीएफओ रही बदी होती बदली के बदली कथा के नपराजो बर्तमान से कही आउ जो तदंतर त्वरान्वित कथ कहते ये लाइ डिटेक्शन टेस्ट रिपोर्ट आसूम एक क्राइमब्रांच पक्ष सूचना मिलूँ जे आउ सब दिगक तदंत सरी केवल अपेक्षा यिगक रही लाइ डिटेक्शन टेस्ट रिपोर्ट में जहाँ जहाँ प्रश्न उत्तर आसी पूर्व जो तर्जमा हो केवल यही दुईट जिनसक तालमेल कर जिनसक तालमेल करगला आगामी पदक्षेप क्राइमब्रांच पक्ष क्राइमब्रांच खूब शीघ्र गोटे चूड़ा निष्पत्ति में पहुंचे बर्तमान समय समस्ते आशा करकृत रहस्य जनक समयरंजन मृत्यु घटन किए दोषी जे विद्याभारती ना डीएफओ ना मनमोथ जानत सबकि घटना आई ना आउ किए अफिस कर्मचारी ना प्रकृत में विद्याभारती एपाई दायी ये सब घटना को विशेष भाव में तर्जमा चली आग को अपेक्षा करा डिटेक्शन टेस्टर तर्जमा रिपोर्ट पर क्राइमब्रांच पक्षर आगामी निष्पत्ति कौन नि मंदाकिन निश्चित भाव संतोष रिपोर्ट रो विश्लेषण चली कि आउ गोटे कथ जो गत काली आम देखी क्राइमब्रांच विभाग को सौम्यों बापा अभिराम देखा करते जेभली भाव में बर्तमान विलंबित होस त्वरान्वित करने किंतु संतोष आज देखा जदि आसी जाऊँगी डिटेक्शन लाइ डिटेक्शन टेस्ट रिपोर्ट देखु गोटे तदंत गोटे प्रोसेस जो तदंतकारी अधिकारी जो मात्रा रे चाहिए कहीं तदंतकारी अधिकारी आम पूर्व देखी जे तदंतकारी अधिकारी फोन कॉल रेकर्ड भाइराल होती से कहते ऊपर निर्देश आसे मुझ सब कथा कहीपरि और परवर्त निष्पत्ति कौन हम एक मुझे कि सब आश्चर्य कथा हो प्रकृत से ऊपर निर्देश करुवा व्यक्ति जनक किए कहीं आप जानते समयरंजन मृत्यु घटन विक्रम आरुख जंगल मंत्री विक्रम आरुख आरंभ कर डीएफओ संग्राम केशरी बेहरा पीसीसीएफ कोर्ट नहीं पूरा तृतीय महला पर्यंत ये लिंक लगी कहला हूँ तो आम कहीपर जो तदंत शिथिलता कराला जो कि बापा को अनुभव होती जो से क्राइमब्रांचर द्वारस्थ होती क्राइमब्रांच जो बापा माँ अभोग करते आउ गोटे गोटे आईवास करवाई गोटे गोटे खबर दि जाए आज लाइ डिटेक्शन टेस्ट रिपोर्ट आसला कल आउ गोटे घटना घटला कल आउ गोटे घटना घटला एक आसे कि सबुपर भी लोके अपेक्षा कर समयरंजन बापा माँ अपेक्षा कर संतोष मासी आपको किंतु वर्तमान आम सहित जोड़ी होती आईनजीवी पार्थ सारथी नायक जी अभिराम महापात्र आडभकेट रही श्रीजुक्त नायक प्रथम आपको स्वागत करुच्ची वर्तमान जदि देखा जो क्राइमब्रांच जो रिपोर्ट आनी वर्तमान लाइ डिटेक्शन टेस्ट रिपोर्ट आसी जाइए केमती देखुं वर्तमान ये घटना को कौन कह संपर्क देखो लाइ डिटेक्शन टेस्ट रिपोर्ट आसिले फलप्रद हम ना कह दोषी एडमिट कर
ସେ ସତ କଥା କେତେ କହୁଛନ୍ତି, କୋଉ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେତିକି କଥା ସେମାନେ ଅନୁମାନ ଲଗେଇବେ। କିନ୍ତୁ କଣ ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଥିଲା, ସେମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ କଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତାର ଭିଡିଓ ଅଡିଓ ତାକୁ ଦବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ତଦନ୍ତରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନ ରହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଜଜମେଣ୍ଟ ହବ, ଜଜମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରପର ହେଇପାରିବ ନା। ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନର ପରିବାର ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି, ତଦନ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହବା ଦରକାର, ନିରପେକ୍ଷ ହବା ଦରକାର ଏବଂ ସେଟା ତୁରନ୍ତ ହବା ଦରକାର। ଏଠି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଏଫଓଙ୍କୁ ସେ ଜାଗାରେ ବଦଳି କରାଗଲା ନାହିଁ, ତ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଲାଇ ଡିଟେକ୍ସନ କରାଗଲା, ତାର ଭିଡିଓ ଅଡିଓ କପି ମଧ୍ୟ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ତ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଉଛି, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ମାନେ ଲାଇଭ ଡିଟେକ୍ସନ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜର ରିପୋର୍ଟ, ଏଇଟା ଏମାନେ ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବୋଲି କରିଦେବା ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଏଇଟା ଯୋଜନା। କାହିଁକିନା ଆ ପଛରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯୋଉ ତଦନ୍ତ କଲେ ସେ ଲାଇଭ ଡିଟେକ୍ସନ ରିପୋର୍ଟ, କଣ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ସେ କଣ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ତାର ଭିଡିଓ ଅଡିଓ କାହିଁକି ଆପଣ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁକି ସେଟା ସାର୍ବଜନୀନ କରୁନାହାନ୍ତି? ଏଠି ତ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜାଣୁଛି ଏଠି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଣ ବାସ୍ତବିକ ହଉଛି ତଦନ୍ତ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ତାହା ଉପରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ତ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ପୋଲିସ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ କରିଛି ବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଦେବାର କୌଣସି ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି କି ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ସେମାନେ ସିଡି କୋର୍ଟରେ ସବମିଟ୍ କରିବାର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିଆରପିସିର ଯାହା ପ୍ରାବଧାନ ଅଛି ଏଫଆଇଆର କପିଟା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରାବଧାନ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଏତଲାକାରୀ ତଦନ୍ତ ଉପରେ ଭରସା ରଖିପାରୁନି, ଆପଣ ଯୋଉ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ସେ ତଦନ୍ତଟା ସ୍ୱଚ୍ଛ ବୋଲିକି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯୋଉ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ସେ ତଦନ୍ତଟା ସ୍ୱଚ୍ଛ ବୋଲିକି ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେ କପି ଦେଇଦେଲେ, ସେଟା ତ ତଦନ୍ତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହବା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଯୋଉ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଟା ରହୁଛି ସେଟା ଯଦି ପବ୍ଲିସିଟି ଆସିଲେ ତଦନ୍ତରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ତାକୁ ଆପଣ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ ନ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦେଲେ ତଦନ୍ତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହବା ନାହିଁ, ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଇନରେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ପ୍ରାବଧାନ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହଉଛି, ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ଡାଉଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହଉଛି, ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ନିଜର ନିରପେକ୍ଷତା ନିଜର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ସେଟାକୁ ପବ୍ଲିକ ଡୋମେନକୁ ଦେଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଆପଣ ତାକୁ କିଛି ଦଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ କଣ ଉତ୍ତର ସେ ଦେଲା, ତାର ଭିଡିଓ ଅଡିଓ କପିଟା ଦବା ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସେଟା ଦଉନାହିଁ? ଆପଣ ଦେଖାନ୍ତୁ ନିଜର ନିରପେକ୍ଷତା, ଦେଖାନ୍ତୁ ନିଜର ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଦେଖାନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରୁ। ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠି ନଥାନ୍ତା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନିରପେକ୍ଷତା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆପଣ ଏଯାଏଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଯାଏଁ ଡିଏଫଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ କରୁନାହିଁ। ସେ ଯୋଉ ଘଟଣାଟା ପୋଡି ଯାଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଡାଇଂ ଡିକ୍ଲାରେସନ ହେଇଛି, ଡାଇଂ ଡିକ୍ଲାରେସନଟା ପରିବେଶ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନାହିଁ, କୋଉ ପରିବେଶରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଡାଇଂ ଡିକ୍ଲାରେସନ ରେକର୍ଡ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଡକ୍ଟର ସେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟକୁ ତାଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଇନାହିଁ। ଯୋଉ ଡକ୍ଟର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଡାଇଂ ଡିକ୍ଲାରେସନ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଇନାହିଁ, ପରିବେଶ ସହିତ ତ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନାହିଁ, ସେ ଜାଗାରେ ପୋଡ଼ା କାଗଜ ମିଳିନାହିଁ, ସେ ଜାଗାରେ ଭଙ୍ଗା ଲ୍ୟାମ୍ପ ମିଳିନାହିଁ, ଆପଣ କେମିତି ଇଏ କଲେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ରେକର୍ଡ କଲେ, ତାକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଡାଇଂ ଡିକ୍ଲାରେସନ ରେକର୍ଡ କଲେ ତାକୁ ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି ହେଇଛି କି, ଭିଡିଓ ଅଡିଓଗ୍ରାଫି ହେଇଛି କି, ତାକୁ ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପଚାରୁ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନିରପେକ୍ଷତା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏଠି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ। ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଗତକାଲି ଅଭିରାମ ମହାପାତ୍ର ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏନ୍ଡିଜିକୁ, ଆଉ ଆଜି ଆସୁଛି ଲାଇଭ୍ ଡିଟେକ୍ସନ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ କରୁଛି କି ଯେ ଅଭିରାମ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଚାପ ରହିଲା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ଲାଇଭ୍ ଡିଟେକ୍ସନ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଆଣିଦେଲେ? ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେମିତି ନିଆଁ ଲିଭିଗଲେ ଫୁଙ୍କିକି ଉଠା ମାନେ ଜଳାଯାଏ, ଏଠି ସେୟା ହେଉଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଶୋଇପଡୁଛି, ଯାଇକି ତା ବାପା ଦେଖା କଲା ପରେ ଯାଇକି ପୁଣି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜାଗିବ, ତାପରେ ନିଆଁ ଲିଭି ଯାଉଛି, ଇଏ ଅଭିରାମ ମହାପାତ୍ର ଯାଇକି ସେ ନିଆଁକୁ ଫୁଙ୍କିକି ଜଳଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯାଇକି ସେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜଳୁଛି। କାହିଁକି ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷ ସେଟା କାଲି ଗଲା ପରେ କଲେ, ଆଗରୁ ଦେଲେନି? ଏଥିପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର
तदंत प्रक्रिया प्रश्नवाची सृष्टि होने भूली जाऊंट गोटे बापा अशी वर्षर बापा तार पुअर मृत्यु को लेकिन लड़े करुच्चे जाणीप चाहती बास्तविक तार पुअर मृत्युर कारण कौन आपण आपणवा बर्तमान प्रश्न उठु क्राइम ब्रांच रिवा पड़ा बर्तमान प्रश्न उठुची जे दिन चली निष्कर्ष पहुंची पारना प्रथम कथा से घटना चलन ना सेटा हत्या ना आत्महत्या ना दुर्घटना ये दीटा प्रश्न उत्तर एजाए क्राइम ब्रांच देना से दीटा प्रश्न उत्तर दिखे आस दोषी आप आखि आगे दोषी ठियाई आप गिरफ करूना आई भाव में दिन गड़े गड़े चलते जमी एटा लोक मान मन भितर को दूरे जी आज्ञा प्रमाण भी नष्ट यार भितर आ गोटे कथा श्रीजुक्त नायक कनफर्म करूँ जे जदि देखा जो भाई भाव में बर्तमान रिपोर्ट आसीगला किंतु एपर्यंत डीएफओ बदली होनी कि डीएफओ को मध्य कार्यर निलंबित कराए तो कौटि ना कौटि क्राइम ब्रांच यार भितर क्लीन चिट दबापाई प्रस्तुत होनी तो जो इंडिपेंडेंट विटनेस माने अच्छा से माने साहस करी किछि जानि थिबे जदि कहिबे जेमिति कि जणे साथी जे पूर्वतन सुरक्षाकर्मी गंगा प्रधान से निज तरफ आसी कहला जे देखि कि घटना दिन गोटे दिन डीएफओ राति बारटा से साढ़े बारटा भितर सौम्य रंजन घर को जीवार ताकू आपण एजाए एक्जामिन करूना से सत कथा कहला कि मिछ कथा कहला ता धारा सेठी आप टेस्ट करूना निरपेक्ष तदंत ना बाध्य जन लोक सीबीआई तदंत प्रयास कर बाध्य परिस्थिति बाध्य कर इन्वेस्टिगेशन प्रयास कर जन खुशी करे ना यदि न्याय मिल जाता निश्चित भाव श्रीजुक्त नायक रिपोर्ट आसला पर ही एक्चुअली जना पड़े प्रकृत में दोषी किए बहुत बहुत धन्यवाद श्रीजुक्त पार्थ सारथी नायक आप सहित जोड़ेले आप आलोचना कले से आपको अनेक अनेक धन्यवाद पुणी फेर भी संतोष पाखक संतोष जो भाव में पार्थ सारथी नायक आलोचना करुते सार्वजनीन कर रही क्राइमब्रांच को आटलिस्ट जेहेतु घटना एत विलंब घटू घटन कितु जदि डायरेक्ट क्राइमब्रांच सीडी को सबमिट करदे कोर्टे कौटिना कौटि तदंत आहरी विलंब हबार संभावना रही संतोष आपने सुनी पार छंती तो बड़ा कथा छी जेते बेले क्राइम ब्रांच हाथ लाग डिटेक्शन टेस्ट रिपोर्ट लागी छी तो न्याय पापरे तदंत आगो को पड़िबो एवं पूर्वरु जहां जहां सब तथ्य प्रमाण मिली छी से आधार रे क्राइम ब्रांच आगो को तदंत बढ़ाइबो एवं सीधा सड़क आप देखु छंती क्राइम ब्रांच एडीजी वर्तमान प्रतिक्रिया देवा प्रस्तुत अच्छा खूब शीघ्र प्रतिक्रिया दर्शक मान देख पारा कहीं जो भाव में आप देखते बहुचर्चित एसएफ सौम्य रंजन महापात्र घटना राज्यव्यापी चर्चार केन्द्रबिंदु पलटि सीधा सड़क क्राइम ब्रांच एडीजी प्रतिक्रिया आसवा मनाजिन एडीजी बर्तमान प्रतिक्रिया रखुच्छा जो लाइट डिटेक्शन टेस्ट करसएफएसएल रिपोर्ट एसएफएसएल तरफ मिल सारी क्राइम ब्रांच रदी दल ये जो तीन टा जाक लाइट डिटेक्शन टेस्ट रिपोर्ट और पूर्वर जो स्टेटमेंट रही बर्तमान तर्जमा कर निश्चित भाव तर्जमा कौन मिसमैच होतापर जाए अधिक पढ़ी पार रिपोर्ट के मानते तर्जमा करजमा करजमा मानते जो स्टेटमेंट देते प्लस लाइट डिटेक्शन जो क्वेश्चन नाम जो एक्सपर्ट मैंने फ्रेम करते तार जब किसी मिसमैच आसे कि कौन आसे से बर्तमान आम एनालिसिस करसीस कलापर जमापड़ परवर्त पदक्षेप आप जानपर आम जो नबू सर
गोटे जिनस कौ जिनटा निर्णायक मड़ दिए ना ये कम्बिनेसन थिंग आम जहाँ जहाँ दिग रही तदंतर आम सब दिगरे तदंत करु तेना निश्चित भाव में सब कंपोनेंटर कि भैल्यू अच्छी और इम्पोर्टेंट तेणु सब जिन कम्बिनेसन ही जिन हम एबे तो लाइट डिटेक्शन टेस्ट आसला पुनी तरह से मूल को पारलाखंडी पुलिस आपन को देखता प्रतिक्रिया लाइट डिटेक्शन प्रतिक्रिया सब मैच करबे ना जा तर्जमा हे सारछि पुनी एबे तर्जमा करबे नै सब जिनस तर्जमा होछि माने आमे भी तांको एग्जामिनेशन करथलो तनो आम पाखरे मध्यम स्टेटमेंट रहिछि तनो सेटा को आमे सबटा को हे तर्जमा सर कहा को रिस्पोंसिबल फिक्स एटि करि होबो ए सब तर्जमा एनालिसिस सल्ला परे सेटा कला परे हे कहिबे सर चांदीपुर केस रे जो अक्यूज़र लाइट डिटेक्शन टेस्ट होगी सेटा एपर्यंत डिसाइड हैनी जे दरकार पड़ीबो करा जीवो सर काम जे तो नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड आसे से केते सत्त केते मिछ बोलछन नेचुरली हम जोटा कहजन ठीक जे दरकार पड़ीबो इन्वेस्टिगेशन तदंतर रिक्वायरमेंट अनुसार करा जाय सब केस रे सब जिंस अवेल नै जदी आवश्यक पड़े निश्चित करा जाय सर से अभियुक्त को रिमांड रे अनै छै सर आमे वर्तमान जति कि समय ने हमको स्टेटमेंट दै छथि प्लस जति कि हमरा टेक्निकल डाटा अछि सेटा किछटा फर्दर हमर वेरिफिकेशन हला पर पुनी दरकार पड़ले आउ थरे नेबो सर जो इनकम जोटा टंका जो वे ऑफ मनी जो आस्थेला ट्रांसफर हेतला को दुबई रो गोटे अकाउंट रो एठी गोटा अकाउंट को आसेथला तो आउ कोन सोर्सेस किछि जणा पड़लनी कि एक्चुअली केवल बैंक अकाउंट एटा अछि अन्य सोर्स कोठो आछि कोन सेथि हमर टीम तेबे जो बड़ खबर आसी पहुंची एसीएफ सौम्यरंजन मृत्यु घटना रे लाइट डिटेक्शन टेस्ट रिपोर्ट आसी जाइछि आपण माने सुनुथिले क्राइम ब्रांच एडीजी को प्रतिक्रिया मध्य तर्जमा परे ही रिपोर्ट रे कौन रही कौन आक्शन से माने नेबे ताकु ही अपेक्षा रहिबो तेबे क्राइम ब्रांच पाखरे पहुंची छथि विद्या भारती डीएफओ एवं रोसेयार रिपोर्ट पहुंची सारिछि तदंतकारी टीम रिपोर्ट उपरे तर्जमा करुछंती पुरुणा बयान सह लाइट डिटेक्शन टेस्ट रो रिपोर्ट को अनुध्यान करुछि क्राइम ब्रांच रिपोर्ट आसीबा परे तर्जमा करा जाउतबा सूचना देइछंती क्राइम ब्रांच एडीजी रिपोर्ट आधार रे खूब शीघ्र आगु को एक्शन निया जबो बोली मध्य से तांका प्रतिक्रिया रे मत रखिछंते। आसवा बे परवर्ती खबर को बंगोपसागर में पुणी एक लघुचाप सृष्टि होइछि। आज केन्दुछर मयूरभंज और सुंदरगढ़ में अति प्रबल वर्षा हेबो एहा द्वारा बुढ़ाबळंग सुवर्णरेखा जलका नदी जलस्तर वृद्धि पाइबा सहित बन्या स्थिति मध्ये उपजि पारे। एहा व्यतीत देवगढ़ अनुगुल जाजपुर भद्रक बालेश्वर और ढेंकानाळ आदि जिले में मध्य लघुचाप जनित वर्षा हेबो। आसंताकाली सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा और बरगड़ आदि जिले में बिजुली घड़घड़ी सहित प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। समय समुद्र अशांत थिबारु मत्स्यजीवी मान समुद्र भितर को जिबाकु बारण करा जाइछि। 18 जिला को पाणिपाक विभाग जारी करछि सतर्क सूचना। अन्यपटे डुबुटुबु अवस्था रे हीराकुद जल भंडार स्थिति विपद संकेत 630 फुट रहितबा बेले जलस्तर समान स्तर रे पहुंचिछि। वर्तमान दुईटी गेट दे जल निष्कासन होतबा बेले आहुरी गेट खोला जाय पारे फळे रे वर्षा पूर्णी बन्या विपत्ति आनी पारे बोली आशंका करा जाउछि। आठगड़े पुणी समवाय दुर्नीतिर अभियोग एथर बड़म्बा ब्लॉक जोड़ुम पंचायत सोसाइटी रे घोटाला अभियोग आसुछि। अभियोग आणिबा सहित कार्यानुष्ठान दाबीरे आठगड़ उपजिलापालंक ऑफिस आगरे धारणा रे बसिछंती शताधिक चासी। सेमानक अभियोग तांक नारे निया जाइछि लक्ष लक्ष टंकार लोन ऋण करिनथिले बि तांक नारे उठा जाइछि टंका। ए संपर्क रे पचारिबारु ओलोटा धमाक मिलुछि। दीर्घ 12 वर्ष हेला बैंक खाता मध्य दिया जाउनी। सोसाइटी मैनेजर सहित पूरा विभाग संपृक्ति अभियोग आनी प्राय 600 चाषी। लोन नहीं नु अथच लोन लक्ष लक्ष टाँग पड़ी बहरे 8 लक्ष 9 लक्ष टाँग ट्रांजाक्शन अथच पचारा कौन से टेबुल चेयर बाड़े ना कहते आमर किए कौन कर कह आम कि एक्सप्लेनेसन देवुनि तो आम पासबुक चेकबुक सब से रखी थे तो कल आने बेल देखला बेलू 1.5 लक्ष 2 लक्ष टाला सब होती सब बर्तमान आम बार मसीहा जोड़ सोसाइट रहा कृषक मान हड़प चली ए हड़पुर आम से पाखक जीवर आम बही माग दौना दीर्घ 12 वर्ष होगा तेणु आम कल जा बही आने पर कहले तुम्हें आम कि ना
କିନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନେ ଅନ୍ତସନ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଠଗଡ଼ ଆସିଛୁ। ପ୍ରାୟ 10-15 ହଜାର ଲୋନ୍ ଆଣିଥିଲୁ, ମୋର 182 ହଜାର ଲୋନ୍ ହୋଇଛି। ସେମାନେ ବ୍ଲା ହେଇଛି ନେଇକି ଏଇଟା ପେପରରେ ଦସ୍ତଖତ ଆଗୁଆ ନେଉଛନ୍ତି, ନେଇ କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ପକେଇକି ଉଠେଇକି ସେ ହଡ଼ପ କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ପଞ୍ଚାୟତ ତ ହଡ଼ପ ହବ, ଭତ୍ତା ଠୁ ଇଏ ଠୁ ଭତ୍ତା ଇନ୍ଦିରାବାସ ସବୁ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ 13 ମସିହାରେ 10 ହଜାର ଆଣିଥିଲି, ଏବେ ମୋ ଝିଅ ବାହାରକୁ ମାଗିଲି, କହିଲି ମୋତେ ଗୋଟେ ଋଣ କରିଦେ, ମୋତେ ମନା କଲା। ମନା କଲେ ସତେ ଖାତା ତାକୁ ମାଗିଲି, ମୋ ପାସ୍ ବହି ଦେ, ସେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମନା କଲା। 50 ଥର ତାକୁ ମାଗିଥିବି, ମୋତେ ମନା କଲା, କଲା ପାସ୍ ବହି ହଜିଯାଇଛି। ଏବେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବାରୁ ପାସ୍ ବହି ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଏଥିରେ 92 ହଜାର ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 565 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 328 ଜଣ ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ 237 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ 63 ଜଣ ଶିଶୁ ଏବଂ କିଶୋର କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 256 ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଟକରୁ 61, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 28, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 26, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 20 ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ପୁଲ୍ରୁ 56 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବି 513 ଜଣ ସକ୍ରିୟ ମାମଲା ରହିଛି। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 5 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇଛି ଭାଇରସ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଖୋଲୁଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ମିଛ ପ୍ରଚାରର ସତ ଗୁମର। ପୁଣି ଥରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ରାଉରକେଲାରୁ ମାତ୍ର 20 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଲାଠିକଟା ବ୍ଲକ ବିଜୁବନ୍ଧ ଗାଁରୁ ଆସିଛି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଚିତ୍ର। ପୁଅକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ନ ପାରିବାରୁ ବଣାଇ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣଙ୍କ ଘରେ ମାଗଣା ଖଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଆସିଛି ମା। ପାଖରେ ଏବେ ବି 2 ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ି ଗଲା ପରେ ଘରର ବୋଝ ମା ନୀତିମାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିଲା। କାମକୁ ଗଲେ ଘରେ ଚଳେ ଚୁଲି, ନହେଲେ ଭୋକରେ ଶୁଅନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବାବେଳେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଝାଟି ମାଟି ଘରେ ପଲିଥିନ୍ ଟାଣି ରହୁଛନ୍ତି ନୀତିମା ଏବଂ ତାଙ୍କ 2 ଝିଅ। ଏଟା 2 ସାଲ ହେଇଗଲାନି ଇଣ୍ଟେରିୟର ଅଛି, ଆମ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଛୁଆପିଲା 3ଟା ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ କାମ କରି କରି ସବୁ ଛୁଆକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଚଳାଉଛି, ଯେଉଁଟା କଷ୍ଟ ମୁଁ କରିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ହାତୀ ପଲ, ହଳଦିଆ ବାହକ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ପଲ ରାସ୍ତା ପାର ହେଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 32 ଟିକିଆ ହାତୀ ପଲ ଆଜି ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯାନବାହନ ଅଟକି ରହିଥିଲା। ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହାତୀମାନଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଏହି ହାତୀ ପଲ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ପାତ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହାତୀ ପଲ ନିକଟସ୍ଥ ନିମିଧା ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।